आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 21वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से दरिद्रता का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है, वे घर परिवार बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचा रहता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि राजा दृढ़ धनवा श्री वाल्मीकि जी से पुरुषोत्तम महा के नियम पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने उन्हें बताया कि पुरुषोत्तम महा में किया गया धर्म, दान, पूजा व व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस महा में थोड़ा सा किया गया धर्म भी मनुष्य को बड़े भारी दुखों से बचा लेता है। वाल्मीकि जी ने राजा को स्थान, ध्यान व पूजा की विधि का ज्ञान करवाया। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी, आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री वाल्मीकि जी राजा से बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण व राधा जी की मूर्तियों की स्थापना कर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद देश, काल, तिथि आदि बोलते हुए संकल्प करके वाणी द्वारा मन को शुद्ध कर 16 उपचारों द्वारा श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। ऋषि बोले, जो मनुष्य मानव देह पाकर राधा जी के साथ विराजने वाले नवीन मेघ समान श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है, वही पुरुष इस लोक में अखंड सुख पाकर गोलोक में जाता है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे तपोधन, अब आप मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम कहिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, खीर अथवा गेहूं, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, गुड़, खांड आदि हविष्य अन्न जो तेल में न पकाया हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान मानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, सब प्रकार के आमिष पदार्थ जैसे उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ अन्न, लोहे से स्पर्श किया हुआ अन्न, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न, दूसरे का हिस्सा, इनका प्रयोग कभी ना करे और ना ही इन्हें खावे। दूसरों से शत्रुता व पर स्त्री गमन ना करे, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय ना जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करे। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष हैं। ऋषि बोले, बकरी, गो, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने लिए बनाया गया अन्न, पंडित लोग इसे आमिष कहते हैं।
पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन कर धरती पर सोवे, पत्तल में भोजन करे, सायंकाल में भोजन करे, रजस्वला स्त्री पतित लोग व संस्कारहीन से वार्तालाप न करे, तथा इन लोगों का, कोवों का, सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया गया जला हुआ अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती ना खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग करे। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंगफल, आंवला, गोला, बेर, चरम बैंगन, वल्ली साग, कमरनाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक ना खावे। ग्रस्त हमेशा रविवार में आंवला न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो जो वस्तुएं खाए वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके फिर खाना प्रारंभ करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रह कर करे या फिर दूध पी कर करे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत करे, परंतु इस प्रकार करे कि व्रत भंग ना हो। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करे, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करे। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। कथा श्रवण के पुण्य को ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करे, इसका अनंत फल मिलता है। ऋषि बोले, हे राजन, कहे हुए नियम अनुसार व्रत करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वपन, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के द्वारा किए गए खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच आदि उनके सामने नहीं ठहरते हैं। इति श्री वृत्त नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व पुरुषोत्तम भगवान की कृपा सदैव आप व आपके परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।